पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल और डिप्टी सीएम के साथ कई केंद्रीय मंत्री पटना साहिब प्रकाश पर्व में आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जत्थेदार की तरफ से प्रकाश पर्व में आने के लिए निमंत्रण दिया गया। प्रकाश पर्व में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं का पटना का गुरुद्वारा आना शुरू हो गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा में ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से पटना साहिब गुरुद्वारा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोकल संगत के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य श्रद्धालुओं की विशेष ख्याल रख रही है। लगातार पटना साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता। अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब में धर्म रक्षक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आगमन दिवस, जो पौष महीने की सप्तमी को, पौषधी सप्तमी को आता है, वो इस बार 7, 8, 9 जनवरी 2022 को बहुत श्रद्धापूर्वक दुनिया भर के सिख समाज के लोग और दूसरे धर्मों के लोग आकर प्रेम सहित हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसमें भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी पहुंचने का वचन किया है। भारत के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर लोग आएंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के गवर्नर और उप मुख्यमंत्री दोनों, और इस तरह से बहुत गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं, और सिख संगत दुनिया भर से यहां आना आज 1 जनवरी को शुरू हो गया है और दीवान महाराज के सज गए हैं। ये लगभग 15 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें 5 और 6 जनवरी के समागम राजगीर में रखे गए हैं। वैसे हर रोज़ संगत की जो है आमदोरफ्त आरंभ हो चुकी है, पूरी सराय जितनी है वो भर चुकी हैं, और
हर रोज़ संगत आ रही है, नतमस्तक हो रही है। इस साल कोई 5 से 6 लाख लोगों के आने की संभावना है, इसलिए उसके बारे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत सहयोग मिल रहा है यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन का और शासन के लोगों का। और यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, इनका बहुत ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रति सम्मान है और उनके लिए समर्पित हैं और दिन रात सेवा में लगे हुए। कोरोना का तीसरा लहर बिहार में भी प्रवेश कर चुका है और प्रकाश पर्व है, सर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो हमें दिखता नहीं कहाँ पर है। अगर कोई दृष्टिमान होता हो, दिखता हो, तो हम उस पर किसी हथियार से प्रहार कर सकते हैं। ये जो अदृश्य शत्रु है, इसका जो हमारे भारत के हेल्थ लाइन ने, हेल्थ एडवाइजरी ने जो सजेस्ट किया है, वो है भी मास्क पहन कर आप कहीं बाहर जाएं और व्यक्तिगत दूरी बना कर रखें। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी।